डालिंग नजर जयपुर की कुछ खास खबरों को लेकर बता दें, जयपुर से अब तक की बड़ी और खास खबर आ रही है, जहां पर जयपुर में कालवार रोड पर पानी की निकासी की सही से व्यवस्था ना होने पर सरकार की अनदेखी होने से, प्रशासन की लापरवाही होने से जगह जगह सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है, निकासी पानी की सही से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आम जन को करना पड़ रहा है भारी समस्याओं का सामना। कालवा रोड पर स्थित हाथोस ग्राम में पानी का निकास नहीं होने से आम जन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोगों की गाड़ियों में पानी फंस जाता है और कई राहगीर पानी में अपनी गाड़ियां निकालने में चोटिल हो जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस समस्या के यहां के सरपंच और विधायक को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन यहां के सरपंच और विधायक के द्वारा अभी तक आमजन की समस्या का किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकाला गया। आपको बता दें कि हाथोस ग्राम के राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर दक्षिण मुखी बालाजी है, जहां पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की आवाजाही रहती है और भक्तों भी कई बार वहां से निकलते समय भरे हुए पानी में गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से चोटिल हो जाते हैं। बताइए सर, पानी वैसा जब भी बारिश आती है ये पानी भर जाता है, इसका कोई समाधान नहीं है। 181 पे राजस्थान सूचना पोर्टल पे काफ़ी बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, पंचायत को भी इसके बारे में अवगत करा चुके हैं, बाकी अभी तक इसका स्थायी समाधान कुछ भी नहीं है। जो यहाँ के सरपंच है वो आपकी सुनवाई नहीं करते क्या? एप्लीकेशन दे के आगे आ जाते हैं, देख जाते हैं, मौका मुआयना कर जाते हैं, कभी आगे से जो भी होगा वो करेंगे। तो यहाँ के सरपंच का क्या नाम है? सरोनी देवी। अच्छा, और विधायक साहब को इसके बारे में बताया आपने? सर, जब पंचायत में अगर कंप्लेंट जारी है, सरपंच को मालूम है, तो विधायक साहब को भी मालूम तो होगा ही। विधायक कौन है यहाँ के? लालचंद कटारिया जी। अच्छा सर, तो ये पहले तो ये पानी नहीं भरता था, अब क्या कारण है जी ये पानी भरा? पहले क्या ये फार्म था, काठियावाल जी का फार्म था ये, तो पहले तो यहाँ के आसपास के व्यापारियों ने अपने खुद के फंड से पैसे इकट्ठे करके और पाइप दबा रखा था, चैम्बर बना रखा था, यहाँ कॉलोनी कट गई तो कॉलोनी वाले ने